जिसमें अब जो दूसरा है ना मेथड, यानी कि तीसरा, पहला माइनस रिंग हो गया, फिर कस्टमर रिव्यूज़ को चेक करते हैं, तीसरा है बेस्ट सेलर्स। ये अमेजोन डॉट के होम बटन के नीचे बेस्ट सेलर्स होता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल जिसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाह रहे हैं उसको खोलें। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा है ऑफिस प्रोडक्ट एक फेवरेट में से आ जाता है, पेट सप्लाईज आ जाता है। तो मैं जो हूँ इसके अब ये तमाम इसके पास जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं। ऑफिस प्रोडक्ट, उससे नीचे प्रेजेंटेशन बोर्ड, एजुकेशन, इनवेलप्स, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस लाइटनिंग, ऑफिस सप्लाईज। मैं जो है ऑफिस सप्लाईज़ को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी एजुकेशन एंड क्राफ्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए इसके सब भी नीचे बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब सब कैटेगरीज हैं, सब निच हैं, तो इनको हम जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब एजुकेशन सप्लाइज एंड क्राफ्ट सप्लाइज के अंदर जो है वो नंबर वन पे इस टाइम ये है एक्सपो का ड्राई इरेज मार्कर, ठीक है, एंड अल्ट्रा पॉइंट टिप 8 8 8 काउंट का पैक है। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि हम नीचे आ जाते हैं, हमें कुछ चेक करते रहते हैं, यहाँ से हमें कोई चीज़ ज़रा अच्छी लगे हम जो है वो उसको ओपन करके उसके रेलेवेंट चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें भी ख्याल रखें कि मतलब वो लिक्विड वाली ना हो, इजी टू शिप हो। जैसे मुझे ये फाइल केस जो है ये देख लेते हैं, विनाइल ट्रांसफ़र पेपर रोल, ये कुछ बेटर लग रहा है। और इसी तरह ये से हमने मेरे ख्याल से पहले देखा हुआ। डिपार्टमेंट्स हैं, आप एक मतलब डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट्स को आई थिंक मैक्सिमम 3 से 4 घंटों के अंदर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ से आपको जो है प्रोडक्ट का आइडिया मस्ट मिल ही जाता है भी ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब इसमें क्लियर विनाइल ट्रांसफ़र पेपर, ठीक है, अब इसको मैं विनाइल ट्रांसफ़र पेपर लिख देता हूँ और मैं इसको जो रिव्यूज़ तो वैसे इसके भी तगड़े हैं। तो क्या उसका नाम था, किधर गया वो प्रोडक्ट। अब ये है कि मैं स्टोर का विजिट करता हूँ यूजुअली, कि अब इस स्टोर के पास क्या ऐसा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है इसके, क्योंकि ये बेस्ट सेलर्स में बैठा है तो इसके पास आइडियाज़ ज़्यादा होंगे। तो मैं जो हूँ इसके पास इसके स्टोर को चेक करता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। ग्रिल मैट्स हैं इसके पास, बुचर पेपर है, कैंडल मेकिंग है। मैं ग्रिल मैट्स देख लेता हूँ, ग्रिल मैट्स भी अच्छी चीज़ है, होम एंड किचन से रिलेटेड है। इसी तरह ये हमने जो है मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं और ये अमेज़ॉन बेसिक का स्टोर है, मैं इसको बंद कर दूंगा। जैसे ये एक्सपो है, इसकी भी रिसर्च काफ़ी अच्छी होगी, मैं इसका स्टोर ओपन करके देख लेता हूँ। एक्सपो ब्रांड है, इस पर काफ़ी सेलर बैठे होंगे। अब ये इसकी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, स्कूल गिलू प्राइस कम है $5 से। इससे मुझे ये लगता है कि ये जो फोल्डर रैंक है ना, स्टैकिंग सॉर्टर जो है वो कुछ, मगर कुछ नहीं, ये इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और प्राइस के हिसाब से कम है।
ये वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है, रोल डेक्स मैश कलेक्शन स्पिनिंग डेक्स सॉर्टर। स्पिनिंग डेक्स सॉर्टर को मैं तो लिख के देख लेता हूँ, डेस्क सॉर्टर। ₹16,1100, 637 रिव्यूज काफी तगड़े हैं। प्रोडक्ट का आइडिया तो ऐसे ही होगा ना, हम इसमें लगे रहते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, अमेजोन बेसिक्स वालों को एक्सप्लोर ना करें। इन्हीं सेलर्स के अंदर आप मज़ीद जो है वो जाके उसको गो थ्रू करें। जैसे ये ग्रिल मैट है इसके पास, और कॉपर ग्रिल मैट है। मेरे ख्याल से ये कॉपर ग्रिल मैट जो है वो नया है, और एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ग्रिल मैट तो इसमें शायद हमारा चांस बन जाए। कॉपर ग्रिल तो इस 200, 2200, 2000 2600, 2200 नहीं, इसके रिव्यूज ज़्यादा हैं। अब इसको अगर हम सिर्फ ग्रिल मैट करें तो ग्रिल मैट में ये कि वेरिएशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। तो यहाँ पे भी रिव्यूज तगड़े हैं। यूजुअली तौर पे हम जो है वो सीलर हमने खोला तो हुआ था, ये अमेजोन बेसिक का, इसको भी नहीं खोल रहे। अभी आम स्टोर है और हमारे पास ये डक है, ये दो रह गए। ठीक है, अब हम इसी को ओवरव्यू करेंगे इन दोनों ब्रांड्स के स्टोर को, और इन्हीं में से चीज़ कोई ना कोई निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये जो अभी आम स्टोर है, इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन स्टेशनरी के ऊपर ही है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। कलर्स हैं और सीजर्स हैं, ज़्यादा विप्ड कलर्स, क्विक ड्राइंग एंडर्स। अच्छा, सीजर्स को देख लेते हैं कि 8 इंच मल्टीपर्पज सीजर। सीजर 3 पैक के अगर कीबोर्ड को हम हेड करें तो क्या होगा? बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसलिए इसमें रिव्यूज इसमें भी ज़्यादा है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट में देख लेते हैं। ये ज़्यादा बबल रैप्स के हवाले से है इनका, और हैं बबल रैक्स हैं, शूज़ हैं, मूव एंड स्टोरेज। जैसे ये है ना, ये मुझे एक बेहतर लगा, ये वाला हैवी ड्यूटी पैकेजिंग टेप। पैकेजिंग टेप को हम डाल के देख लेते हैं अमेज़ॉन के अंदर। पैकिंग टेप डाल के देख लेते हैं, इससे कुछ रेलिवेंट ही हमें मिल जाएगा। सारे ऊपर वाले स्पॉन्सर हैं और नीचे वाले जो हैं ये
में भी रिव्यूज ज़्यादा हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, 250 के अराउंड है, 160 है, 249 है। स्पॉन्सर से सर वही मुराद होती है ना जो कि पीपीसी कंपनी इंजन के ऊपर चल रही होती है, वही होता जी है। बिल्कुल वही, जी जी वही होता। स्पॉन्सर पे हम रिलाई नहीं ना कर सकते, हम उस पर रिलाई करें तो हो सकता है इंडियन के बाद वो कंपेन हटे वो पीछे चला जाता है, हम उस पर नहीं रिलाई कर सकते। तीन दिन के बाद, क्या 3 घंटे बाद उसकी कैंपेन जो है वो शायद आपको ना नजर आ रही हो। ये देखें क्या उसका नाम है, मतलब ठीक लग रहा है मुझे। इसमें पैक का इशू आएगा, मतलब ज़्यादा जो है ना, 3 पैक 4 पैक उसको हम कवर कर सकते हैं वैसे। तो इसको देख लेते हैं जनरली क्या रिव्यूज़। रेवेन्यू तो इनके तगड़े हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अगर इसमें ये क्या ब्रांड डोमिनेंसी है, स्कॉच 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 स्कॉच, और एंड पे मतलब आपको टॉप 10 में 6 से ज़्यादा तो स्कॉच नज़र आ रहा है, तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट को भी अवॉइड ही करते हैं। चले, यहाँ से मतलब आपको अंदाज़ा तो हो गया ना कि बेस्ट सेलर रैंक का क्या मेथड है और कस्टमर रिव्यूज़ को स्पाई करने का क्या मेथड है। जैसे मैंने बताया कि 3-4 घंटे अगर आप रेगुलर लगाएं तो उसमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। जैसे आप बेस्ट सेलर्स रैंक में जाएंगे और यहाँ से, जैसे मैं अगर ऑटोमोटिव में देखूँ, ये यूजुअली गेटेड कैटेगरी है, तो यहाँ से मैं ये कैटेगरी उठाऊँगा और इसके ब्रांड या इसके स्टोर पेज पे विज़िट करूँगा, और फिर जो है कि मैं वहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ जनरेट करने की कोशिश करूँगा। प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को मैं वन बाय वन जो है अमेज़ॉन पेस्ट करूँगा सर्च बार में, वहाँ पर एंटर करूँगा और वहाँ से देखूँगा कि क्या रिव्यूज़ हैं, क्या रेटिंग है, ठीक है। अब जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा, मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, इसमें बैठना जो है मुश्किल, या मतलब काफ़ी ही मुश्किल होगा, नामुमकिन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं और वो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। बैटरी क्लैंप, कीवर्ड सही नहीं मेरे ख्याल से लिखा गया, उसे बैटरी क्लैंप आएगा सर। ये देखें अब इसमें 1800 412, मतलब इसमें आपको रिव्यूज़ कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तकरीबन जो है वो रेगुलरली जो है वो बाय हो रहा होता है। कुछ जगह में है इसको, आप देख सकते हैं। एवरेज सर हमें कितने रिव्यूज वाले के हम जाएं, कितने रिव्यूज वाला जो है मिनिमम टू मिनिमम कि यार ये हमारी वो मिनिमम हम कैटेगरी देखते है। हैं कि टॉप, अभी देखें ना टॉप जो है ना, टॉप 10 उसमें से जी जी 3 या 4 के ज़्यादा, 3 या 4 से ज़्यादा के ना 1000 से ऊपर रिव्यू नहीं होने चाहिए, यानी टॉप 10 ठीक है। में से जो तीन मैक्सिमम तीन या चार उसके मैक्सिमम उनके रिव्यूज 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मैक्सिमम। नहीं 1000 से ज़्यादा, ये मतलब जैसे इसमें है, मतलब 1000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 150 में से कम हो जाए ना, तो अगर टॉप 5 में, ये टॉप 5 है इस टाइम मेरे पास, ये 27 से लेके 301 तक, फिर ज़रा लैंड करना और आसान हो जाता है। यहाँ पे 250 से कम सिर्फ एक है और 150 से कम कोई भी नहीं है, नीचे है। अगर जो नीचे हैं उनका रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू कम है, और इनका रेवेन्यू भी कम है प्रोडक्ट का, तो मतलब ये एज सच गुड नहीं है, मगर आइडियाज़ तो ऐसे ही आते हैं ना, तो मतलब फिर इनके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को हम देख लेते हैं।